अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है तंदूरी फ्राई। तंदूरी फ्राई बनाने के लिए हम 1 किलो का फुल चिकन हम लिए हैं। इसे अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है और इसमें इस तरीके से कट लगा लिए हैं। साइड में भी हम कट लगा दिए हैं इसके। अब इसे हम पहले 1 नींबू का जूस इसमें ऐड करेंगे। नींबू का जूस और विनेगर लगाने से, सिरका भी कुछ लोग कहते हैं, ये लगाने से इसका चिकन का जो टेस्ट है और अंदर से सॉफ्ट सा हो जाएगा ये हमारा। हम इसे अच्छे से मसाज कर लेंगे। इसमें हम सिरका भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मसाज करके इसे आधा घंटा तक रेस्ट देंगे। इसलिए आधा घंटा तक हम रेस्ट देंगे। इस तरीके से रेस्ट देने से हमारा चिकन अच्छा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा और इसका खाने में भी टेस्ट अच्छा लगेगा। इसे हम रेस्ट देंगे, तब तक हम इसका मसाला बना के तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर लगाने वाला 2 टेबल स्पून हम तंदूरी मसाला ले रहे हैं। 1 टेबल स्पून भर के हम लाल मिर्च का पाउडर ले रहे हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें चाट मसाला लेंगे। 1 चाय का चम्मच हम भर के कस्तूरी मेथी लेंगे। 2 टेबल स्पून भर के हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। नमक स्वाद अनुसार। 1 नींबू का जूस लेंगे हम। इसकी जगह अगर आपको दही ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम ज़्यादा इसका जो है गाढ़ा ही रखेंगे पेस्ट, पतला नहीं होने देंगे। इसी की वजह से हम नींबू का जूस ऐड किए, दही नहीं ऐड किए। दही हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा तो इसकी ये हमारा ये जो मसाला है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। मसाला भी बन के हमारा रेडी है। हम इसे चिकन पे लगा लेंगे। हमारा चिकन आधा घंटा भी हो गया है। इसे हम हाथों से लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से, चारों ओर अच्छे से मसाज करते हुए हम इसे लगाएंगे। इस तरीके से लगाने से क्या टेस्ट हमारा बहुत अच्छा होगा। हम पेट में के अंदर भी लगा देंगे। अच्छे से मसाला चारों ओर लग गया है। इसे हम धागे से अच्छे से पूरा चारों ओर से बांध लेंगे। इसे हम अच्छे से चारों ओर से धागे से बांध लेंगे। पहले हम इसके पैर बांधेंगे। अच्छे से हमने इसे बांध दिया धागे से। अब हम इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। अब इसे हम तंदूरी को इस पे रख देंगे कढ़ाई पे और सारा मसाला हम जो है इसमें ऊपर से लगा देंगे। इसे हम अच्छे से ढांकेंगे पतीले से कि हमारा बिल्कुल सा भाप ना निकले। एकदम बराबर से हमने इसे ढांक दिया। इसे हम 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो पर ही रखेंगे। 15 मिनट हो गया है। इसकी हम चेक कर लेंगे पहले किस तरीके से हुआ। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इसकी साइड फिर से चेंज हो गई है। इसे हम फिर से 15 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे मीडियम टू लो पर ही। इस तरीके से हम ढांकने से क्या बिल्कुल सी हमारी भाप बाहर नहीं निकल रही है। चेक कर लेंगे। 15 मिनट हो गया हमारा। अब इसका जो पानी है हम इसे घुमाते हुए इसे पानी जला लेंगे हाई फ्लेम पे ही। एकदम
पानी जल रहा है जब तक हम इसकी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। चटनी बनाने के लिए हम थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा हरा पुदीना ले रहे हैं ताज़ा, सात हरी मिर्च, चार लहसुन की कली, इन सबको मिक्स करके हम चटनी बना के तैयार कर लेंगे। इसका पानी भी जल गया है, थोड़ा सा मसाला कोई ज़्यादा नहीं है। अब इसमें हम इस तरीके से सलिया लगा, ये वाली सलिया लगा के हम इसे फ्राई करेंगे, नहीं तो हमारा फ्राई उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आपके पास स्टैंड है तो स्टैंड में भी कर सकते हैं, हम सलिया में लगा के करेंगे दोनों साइड से। अब इसमें हम घुमाते हुए फ्राई कर लेंगे सारे को, इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। इस तरीके से हम चारों ओर से अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसे, और एकदम हम कम तेल में से फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेल में नहीं। हाफ इसमें हम नींबू का जूस ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे हम। एकदम अच्छे से हमारा फ्राई हो गया, इसे हम गैस पे हल्का हल्का सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सेकेंगे इसे। हम मस्का गिराते हुए थोड़ा सा सेकेंगे, इससे क्या खुशबू इसकी और अच्छी सी हो जाएगी। अच्छे से हमारा सेका गया है, अब इसे हम लिखा हटा लेंगे गैस से। तंदूरी फ्राई हमारा बनके तैयार है, और इसकी ये चटनी जो हमने बनाई थी। तंदूरी फ्राई हमारा बनके देखिए तैयार है, एकदम सिंपल में हम बनाए हैं, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं, और आसान सा तरीका है बनाने के लिए। और इसका जो मसाला हम बचा हुआ था इसमें, वो भी हम निकाल लिए हैं। अगर आपको ये तंदूरी फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।